हेलो दोस्तों, आज हम लोग यूजीन को बचाने वाले हैं और पूरा गेम में हम लोग ट्रेन का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। और देखिएगा, जब लास्ट में यूजीन जिंदा रहेगा और हेल चार्ल्स आएगा हमें फाइट करने के लिए। और हाँ, अगर हम लोग यूजीन को यहाँ पर बचाते हैं तो चार्ल्स जो है पूरा गेम में हमारा पीछा करने वाला है। मतलब कि हम लोग मैप के किसी भी कोना में चले जाए, चार्ल्स आ जाएगा हमें मारने के लिए। क्योंकि अगर यूजीन बच जाते हैं तो चार्ल्स जो है यूजीन को छोड़ के हमारे ही पीछे पड़ जाते हैं। और यूजीन को बचाने के लिए मैंने यहाँ पर ट्रेन में अनलिमिटेड हेल्थ दे दिया, जिसकी वजह से यूजीन जो है मरे ना, ठीक है। तो अभी हम लोग सारे मिशंस कंप्लीट करेंगे, उसके बाद देखिएगा लास्ट में जब हेल चार्ल्स आएगा तो यूजीन भी वहीं पर जिंदा रहेगा। तो मुझे लगता है हेल चार्ल्स जो है वहाँ पर शॉक्ड हो जाएगा यूजीन को देख के। तो देखते हैं क्या होता, ठीक है। तो पहले हम लोग यहाँ से सारे स्क्रिप्ट कलेक्ट कर लेते हैं और ट्रेन को थोड़ा सा अपडेट कर देंगे ताकि हेल चार्ल्स से फाइट करने में थोड़ा सा हमें आसानी भी हो। तो ये स्क्रिप्ट हमने लगभग यहाँ से सारे कलेक्ट कर लिए हैं, चलते हैं ट्रेन में। ओके, हेलो यूजीन, तुमको टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है, ट्रेन के हेल्थ अनलिमिटेड है। तो फिर भी हम लोग आर्मर लेवल को थोड़ा सा अपडेट कर लेते हैं और डैमेज लेवल को थोड़ा सा अपडेट कर लेते हैं, ठीक है। आई थिंक इतना काफ़ी होगा, जितना स्क्रिप्ट सब अपडेट कर देंगे। तो स्क्रिप्ट हमारे यहाँ पर ख़त्म हो गया, स्पीड लेवल को अपडेट नहीं करेंगे क्योंकि स्पीड लेवल को अपडेट करने पर चार्ल्स हमें पकड़ ही नहीं पाएगा। तो चलते हैं आगे। अब देखिएगा, चार्ल्स यूजीन को जितना भी मार ले, यूजीन यहाँ पर मरेगा ही नहीं क्योंकि ट्रेन का हेल्थ मैंने अनलिमिटेड कर दिया है। यहाँ पर चार्ल्स आने वाला है, कभी भी आ सकते हैं यहाँ पर। आ जाओ, चार्ल्स यहाँ पर आ गया है और यूजीन जहाँ बाहर चला गया, लेकिन कोई फिक्र नहीं, देखिएगा अभी मारेगा। लेकिन देखिए, राइट साइड पर जो नीचे ट्रेन का हेल्थ है वो बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा है क्योंकि ट्रेन का हेल्थ यहाँ पर अनलिमिटेड है। चार्ल्स कितना भी कोशिश कर ले, यूजीन यहाँ पर मर नहीं सकता। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग चार्ल्स को गोली मार देते हैं, उसके बाद यहाँ से निकलते हैं। और इसमें बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग होने वाला है क्योंकि चार्ल्स हमारा पूरा गेम में पीछा करने वाला है। मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ, ये देखिए, अब यूजीन को छोड़ के मेरे पीछे पड़ गया। अब मैं कहीं भी भाग जाऊँ मैप में, किसी भी कोना में, चार्ल्स कहीं ना कहीं से मुझे ढूंढ ही लेगा और मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला है चार्ल्स। यहाँ से हम लोग चलते हैं फर्स्ट टास्क की तरफ, जो जो इंपॉर्टेंट मिशन है हम लोग सिर्फ उसी को कंप्लीट करेंगे। चल भागो भाई, चार्ल्स मेरा बिल्कुल पीछे ही है। मैं थोड़ा सा अपना स्पीड जो है बढ़ा लिया हूँ मोड्स यूज़ करके, नहीं तो अगर मैं स्लो दौड़ता तो भाई चार्ल्स मुझे एक भी मिशन कंप्लीट करने नहीं देता। वो देखिए कितना स्पीड में आ रहा है ये भी, भाई सही में हाथ धो के पीछे पड़ गया आज मेरा चार्ल्स। खैर कोई बात नहीं, हम लोग फटाफट से चलते हैं। यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा भी रुक नहीं सकते हैं, और अगर थोड़ा सा भी रुके, देखिए मेरा स्पीड कितना ज़्यादा हो गया दौड़ने का, इसकी वजह से मैं चार्ल्स से बच पा रहा हूँ। अगर सही में धीरे धीरे दौड़ता था तो चार्ल्स मुझे छोड़ता ही नहीं। तो इससे जल्दी से जल्दी बात कर लेते, नहीं तो चार्ल्स आ जाएगा तो ये डर के भाग जाएगी नीचे। ओके, ठीक है, समझ गया हम लोग। अब चार्ल्स जो है देखिए कभी भी आ सकते हैं यहाँ पे। एक सेकंड, कहाँ चला गया भाई, भूल गया क्या रास्ता? प्रॉब्लम बात यह कि हम लोग अपना स्पीड थोड़ा सा बढ़ा लिया। ये देखिए चार्ल्स आ गया, और चार्ल्स का आता है देखिए, ओके से छुप के जाकर बैठ गए। ये देखिए, ओ क्या हो गया तुमको भाई, क्यों तुम्हारे डर के मारे इतना फट गई है। खैर यहाँ से हम लोग चलते हैं, हमें जाना है फर्स्ट कलेक्ट करने। लेकिन क्यों ना हम लोग एक साइड मिशन को ट्राई करें, यहाँ पर चल के देखिएगा। यहाँ पर देखते तो मैं भूल गया हूँ साइड मिशन में क्या था, ठीक है। तो तुम यही बेचारे डर के मारे उसको फटा हुआ है। तो हम लोग यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं यहाँ से। आई थिंक यहाँ पर कौन सा मिशन था, क्या आप लोगों को याद है यहाँ पर कौन सा मिशन होता था? उस सेट ये भी डरा हुआ है, देखिए ये भी डर के कोना में चला गया। लगता है ना चार्ल्स हमें अब किसी से सही से बात भी करने नहीं देगा क्योंकि ये हमें अब हर जगह रोकने की कोशिश करेंगे, और ये जहाँ जहाँ जाएगा भाई एनपीसी डर जाएंगे। तो खैर कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ से पहले तो भागते हैं और यहाँ से फर्स्ट एक कलेक्ट कर लेते हैं, इससे पहले चार्ल्स वहाँ भी पहुँचे। मुझे पहले वहाँ से दिखे भाई, पूरा पीछे ही पड़ा हुआ है चार्ल्स मेरा। लास्ट में सही में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि यूजीन भी लास्ट में होगा और हम लोग हेल चार्ल्स से फाइट करेंगे। और एक चीज़, हम लोग जब चार्ल्स से लास्ट में फाइट करेंगे तो हम लोग अपना ट्रेन को भाई चलाएंगे नहीं, बस एक ही जगह खड़े करके हम लोग चार्ल्स से फाइट करने वाले हैं। देखिए कैसे, ठीक है, तो लास्ट तक देखिएगा तब आपको समझ आएगा कैसे कैसे होगा। तो पहले तो हम लोग ये दरवाज़ा खोलते हैं, अंदर भागो। ये देखिए चार्ल्स, मतलब आज मुझे चाहता है मारना लेकिन मैं भी मरने वाला नहीं क्योंकि मैंने खुद पे भी अनलिमिटेड हेल्थ लगा दिया, ऊपर से ट्रेन पे भी अनलिमिटेड हेल्थ लगा दिया। तो चलते हैं अब अंदर हम लोग, कहाँ गया, यहाँ से हम लोग फटाफट से फर्स्ट एग कलेक्ट करेंगे। ये रहा चार्ल्स, अच्छा हुआ कि चार्ल्स जो है अंदर नहीं घुस सकता, नहीं तो भाई अंदर भी आ जाता तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता, ठीक है। यहाँ पर मार्क्समैन हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि कहीं कितने भी गोली मार रहे हमारा कुछ नहीं होगा। चलो भागो यहाँ से हम लोग। तो यहाँ पर हमने पहला एक कलेक्ट कर लिया, अभी फटाफट से हम लोग दूसरा एक कलेक्ट करेंगे। इसके लिए चार्ल्स हमें रोकने का बहुत कोशिश तो करेगा लेकिन कुछ फ़ायदा होने वाला है नहीं। चलो बाहर जल्दी जल्दी, यहाँ पर मैं दौड़ नहीं रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं दौड़ूंगा तो भाई इतना छोटा रास्ता है, मैं इतना ज़्यादा स्पीड मेरा हो गया कि दौड़ भी नहीं पाऊंगा, ठीक है। चलिए फर्स्ट एक हमारा फर्स्ट टास्क कंप्लीट कर गया, लेकिन चार्ल्स कहाँ चला गया? अब हमें जाना है यहाँ से यहाँ पे। अब देखिए मैं कैसे पानी के ऊपर से उड़ उड़ के जाने वाला हूँ, ठीक है। और ये देखिए भाई चार्ल्स आ गया,
मैंने कहा क्या था कि कहीं से भी भाग लो चार्ल्स हमें कहीं ना कहीं से पकड़ ही लेगा। तो यहाँ से हम लोग अगर पानी के ऊपर से उड़ के जाएंगे तो चार्ल्स हमें नहीं पकड़ पाएगा, क्योंकि चार्ल्स पानी के अंदर नहीं आ सकता। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे मैं पानी के ऊपर से उड़ के जाने वाला हूँ। ये देखिए भाई, नीचे समुद्र है बहुत ही बड़ा, लेकिन हम लोग ऊपर से उड़ उड़ के जा रहे हैं। अगर यहाँ पर थोड़ा सा भी मिस्टेक किया मैंने और पानी में गया तो भाई मेरा गेम खत्म हो जाएगा। तो मुझे इस तरह से उड़ते रहना होगा। और चार्ल्स आई थिंक अब मुझे ढूंढ तो नहीं पाएगा, फिर भी देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। क्योंकि चार्ल्स के लिए पानी में आना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, उसे आगे से पूरा घूम के आना पड़ेगा, तब जाकर वो मुझे पकड़ पाएगा। तो यहाँ पर मुझे आई थिंक थोड़ा सा देर के लिए तो चार्ल्स से छुटकारा मिल गया, इसका हम लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। चलो भागो जल्द से जल्द, एक काम करते हैं यहाँ से हम लोग परफेक्ट लैंडिंग करते हैं इसका ऊपर। ओ शिट, थोड़ा सा मिस हो गया। मैं सोचा था कि बिल्कुल उसके ऊपर ही लैंडिंग कर दूँ, लेकिन नहीं हो पाया। खैर चलते हैं हम लोग ऊपर और इससे बात करते फटाफट ये चाइनीज से। हेलो, ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। तो यहाँ से हमें दूसरा टास्क हमें मिल गया। अब यहाँ से फटाफट से दूसरा एक कलेक्ट करते हैं, इससे पहले चार्ल्स आ जाए और हमें परेशान करे। फटाफट से चलते हैं हम लोग यहाँ पे, यहाँ पे जाना। ओके ठीक है, लेट्स गो, फटाफट से चलते हैं हम लोग। इससे भी हमारा स्पीड जो है बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो क्यों ना हम लोग पानी से ही शॉर्टकट मार ले, क्योंकि पानी के ऊपर से जाने से हमें थोड़ा सा शॉर्टकट पड़ता है। ऊपर से बारिश बहुत तेज़ हो रही है भाई, पता नहीं आपको इसमें समझ आ रहा होगा, लेकिन देखिए बिजली कैसे कड़क रही है। मौसम भी ऊपर से बहुत ही ज़्यादा खराब है, ऊपर से चार्ल्स भी मुझे ढूंढ रहे मारने के लिए। जब उसको मौका मिलेगा भाई मार देगा मुझे। तो यहाँ पर हम लोग शॉर्टकट मार लिए, पानी के ऊपर से बहुत ज़्यादा शॉर्टकट हो जाता है, नहीं तो भाई मुझे भी उधर से पूरा घूम के जाना पड़ता। सबसे बढ़िया ट्रिक तो यही है भाई, पानी के ऊपर से चले जाओ। फटाफट से चलते हैं हम लोग, बस थोड़ा सा ओढ़े। मुझे लगता है चार्ल्स मुझे उधर ढूंढ रहा होगा, लेकिन वो भी कन्फ्यूज हो गया भाई, ये गया था गया क्या, क्योंकि पानी के अंदर से भाई आने तो पॉसिबल है नहीं उसका, ठीक है। तो फटाफट से यहाँ से चल के हम लोग थर्ड एग कलेक्ट कर लेते हैं, बस पहुँचने वाले हैं हम लोग। भाई इतना स्पीड में दौड़ रहे हैं कि मुझे ट्रेन का भी जरूरत नहीं है। ओके तो यहाँ पर हम लोग पहुँच गए हैं, यहाँ से हम लोग सेकंड एग कलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन चार्ल्स अभी तक मुझे ढूंढ नहीं पाया है। वो पक्का मुझे कहीं ना कहीं तो ढूंढ ही रहा होगा, सोच रहा होगा भाई ये गया तो गया कहाँ। चलते हैं यहाँ से फटाफट से सेकंड एग अब ले लेते हैं, उसके बाद से थर्ड एग लेंगे, उसके बाद ब्रिज पर बॉम्ब लगाएंगे और सीधा चले जाएंगे भाई टेम्पल पर, और वहाँ पे भाई यूजिन और चार्ल्स दोनों आएंगे, मज़ा आएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये इसको गेट खोलो, यहाँ से एक ले लो, ठीक है एक यहाँ से ले लिया। अब चल निकलते हैं यहाँ से बाहर हम लोग। तो मैंने यहाँ पर दो एक कलेक्ट कर लिया, बस हमें यहाँ पर लास्ट एक और एक कलेक्ट करना है, और बस ब्रिज पे बॉम्ब लगाना है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट मिशन है हम लोग बस उसी पर ध्यान देंगे, ठीक है। तो यहाँ से निकलते हैं, यहाँ से थोड़ा सा स्पीड दौड़ गया भाई, देखिए थोड़ा सा स्पीड दौड़ने पर किस तरह से दौड़ रही है, बहुत ज़्यादा स्पीड हो गया इसका, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे बस लास्ट एक और टास्क बचा हुआ है, ब्रिज पे बॉम्ब लगाना और एक लेना। तो चलते हैं फटाफट से ब्रिज पे बॉम्ब लगाते हैं, ताकि हम लोग हेल चार्ल्स को बॉम्ब से उड़ा सके, क्योंकि अगर बॉम्ब से हम लोग नहीं उड़ाते हेल चार्ल्स को तो पक्का हम लोग हेल चार्ल्स को मार ही नहीं पाते। तो चलते हैं अंदर यहाँ पे, और यहाँ पर हम लोग पहुँच गए, इससे फटाफट बात कर लेते हैं हम लोग। हेलो, अभी इसको क्या हो गया, ओ शिट चार्ल्स यहाँ पर आ चुके, पता नहीं कहाँ से एंट्री मार दिया चार्ल्स, मुझे ढूंढ ही लिया आखिरकार इसने। तो अभी मुझसे बात भी नहीं पड़ रहा है, तो मुझे क्या करूँ समझ नहीं आ रहा है। अगर इसमें मैं इससे बात नहीं करूँगा तो ब्रिज पे बॉम्ब नहीं लगा पाऊँगा, जब तक चार्ल्स यहाँ से हटेगा नहीं तब तक भाई वो एनपीसी उसी तरह से डरा ही रहेगा। तो खैर एक काम करते हैं, हम लोग ब्रिज पे बॉम्ब लगाने वाला मिशंस को ही स्किप कर देते हैं। तो हम लोग यहाँ पर ब्रिज पर बॉम्ब नहीं लगाए, अब देखेंगे जो होगा देखा जाएगा, ठीक है, क्योंकि चार्ल्स हमें ब्रिज पर बॉम्ब लगाने देगा नहीं। तो यहाँ पर हम लोग फटाफट से इससे बात कर लेते हैं, ताकि हम लोग थर्ड गुफा का जो है चाबी ले सके, लेकिन इसका भी डर के मारे फटा हुआ है। चार्ल्स यहाँ भी आ गया भाई, चार्ल्स मुझे हर जगह डिस्टर्ब कर रहा है, जहाँ जाओ वहीं पर चार्ल्स आ जा रहा है। तो एक काम करते हैं, मुझे लोकेशन पता है गुफा कहाँ होता था, तो हम लोग सीधा चले जाएंगे लोकेशन पे। भाई दोनों से मिशन से स्किप, दोनों से हम लोग किसी से बात नहीं किए, डायरेक्ट जा रहे हैं, जो होगा देख लिया जाएगा। तो चलते फटाफट, चार्ल्स बिल्कुल मेरे पीछे ही दौड़ रहा होगा। सही में यार, अगर मैंने यहाँ पर अनलिमिटेड हेल्थ नहीं लगाया होता ना, तो चार्ल्स मुझे कब का मार दिया होता, चाहे मैं कितना स्पीड दौड़ूँ। कहाँ गया भाई चार्ल्स, वो देखिए उसका हेडलाइट दिख रहा है, देखिए किस तरह से भाई कितना स्पीड दौड़ रहा है ये। खैर इसको भी हम लोग छोड़ेंगे तो नहीं हम लोग, चलो फटाफट भागो, बस एक और एक कलर कोड, उसके बाद सीधा चलो मंदिर पे, मज़ा आएगा। अब तो यहाँ से हम लोग चाबी तो लिया नहीं है, तो मुझे गेट को डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि चाबी मिला नहीं था। तो चलते हैं अंदर, यहाँ से थर्ड एक ले लेते हैं फटाफट से। यहाँ पर मार्क्समैन भी होंगे, लेकिन मुझे कोई डर नहीं है, मुझे मार्क्समैन से भी डरने की जरूरत है नहीं, क्योंकि मेरे पास अनलिमिटेड है। ओ भाई एक शॉटगन ने मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, एक ये रहा, आजा आजा, कुछ नहीं कर सकते भाई तुम लोग मेरा, ठीक है। यहाँ से फटाफट से चलते हैं नीचे, और ये आ गया मार्क्समैन, बाय बाय। वो मैं ढूंढ रहा होगा बेचारा, लेकिन हम लोग यहाँ पर नीचे आ चुके हैं। अब जल्दी से यहाँ से थर्ड एग ले लेते हैं, उसके बाद सीधे जाएंगे बाहर और जाएंगे टेंपल पे। ओके एक ये रहा, हेलो, वो तो उधर चला गया भाई, देखा भी नहीं हुआ, तो भाई बेवकूफ़ है, उसको पीछे से आके मैं एक चुड़ा कर लेके चला गया। ये लोग आई थिंक एक को
प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर घूम रहे थे, लेकिन उसको सामने से मैं लेके आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लगभग तीनों एक्स कलेक्ट कर लिया। अब हमें बस जाना है टेम्पल पर और वहाँ पर तीनों एक्स को लगाना है ताकि चार्ल्स आए, और अब चार्ल्स से फाइट होगा, वो भी थोड़ा सा अलग वे से। ठीक है, हम लोग हमेशा ट्रेन को चलाते रहते थे, चार्ल्स को फायरिंग करते थे लगते थे, लेकिन इस बार ट्रेन को चलाएंगे नहीं भाई, ट्रेन को एक ही जगह खड़ी रखेंगे और उसी तरह से फाइट करेंगे चार्ल्स से। और देखिए चार्ल्स में जहाँ भाग रहा भाई, वहाँ वहाँ चार्ल्स मैप का किसी कोना में, इसको पता कैसे चल जाता है कि मैं कहाँ पर हूँ कहाँ पर नहीं, ये मुझे समझ नहीं आता भाई। जो AI डाला हुआ है ना इस गेम के अंदर चार्ल्स, वो AI थोड़ा सा अलग ही एडवांस है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर आ गए। अब मुझे यहाँ पर चाबी तो मिला नहीं है, तो मुझे ये गेट को भी डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने ब्रिज पर बम लगाने वाला मिशन को स्किप कर दिया क्योंकि चार्ल्स वहाँ पर आ गया था। तो यहाँ पर हमारा कट स्क्रीन स्टार्ट हो चुका है, फटाफट से हम लोग तीनों एक्स यहाँ पर लगा देते हैं। ओके, लेट्स गो, चलिए जल्दी करो भाई, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है क्योंकि अभी हेल चार्ल्स से फाइट भी करना है। ओके, यहाँ पर हमारे पास तीन कलर का पहले लगाता है ग्रीन। ओके, सेकंड कौन सा कलर लगाएगा गेस कीजिए। तो आप लोग इतना दिन आप लोग चोचे चार्ल्स देखे हैं, ब्लू। ओके, मुझे भी पता नहीं था, मैं भी भूल गया था। ठीक है, अब ये लास्ट रेड एक लगाना है। ओके, और यहाँ पर आ गया हमें डिस्टर्ब करने के लिए, लेकिन अभी ये भी ज़्यादा देर टिकने वाला है नहीं क्योंकि चार्ल्स अभी इसको खा ही जाएगा। बोल रहे हैं कि एक को नीचे रख के ग्राउंड पे लेट जाओ, लेकिन भाई हम लोग डरने वाले हैं नहीं किसी से। अबे तू निकल यहाँ से, अब तू निकल जा। और यहाँ पर हेल जास आने वाला है, अब आएगा मज़ा, क्योंकि देखिएगा अभी ट्रेन में यूजिन भी अभी जिंदा है। ठीक है, ट्रेन को हम लोग वहीं छोड़ देते, लेकिन ट्रेन एक ही बार यहाँ आएगा और उसमें यूजिन भी होगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। ओके, तो चार्ल्स यहाँ पर आ चुका है भाई साहब, मुझे लग रहा है चार्ल्स बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया, क्योंकि चार्ल्स यूजिन को भी मार नहीं पाया है, इसलिए शायद हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा ही गुस्सा हो जाए। चलो भागो यहाँ से, अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं फटाफट से ट्रेन में। वो यहाँ पर देखिए सब इधर से उधर भाग रहे हैं भाई, चार्ल्स को देख के सबके फट गई है। और ये आ गया, वो आई थिंक वो घर के अंदर छुपा हुआ था, अभी मैंने आज नोटिस किया, वो घर के अंदर छुपा हुआ था, चार्ल्स ने घर को तोड़ा और सीधा उसको खा गया। अभी चलते हैं फटाफट से ट्रेन में। और वो देखिए यूजिन, मैं आपको दिखाता हूँ एक सेकेंड, ये देखिए यूजिन को। हाँ भाई, यूजिन अभी तक यहाँ पर है, यूजिन को भाई कोई टेंशन ही नहीं है क्योंकि ये हमारा ट्रेन का हेल्थ हमारा अनलिमिटेड, चार्ल्स कितना भी कोशिश कर ले भाई यूजिन को मारने का या फिर मुझे मारने का, ये हम लोग मरेंगे ही नहीं यहाँ पे। तो अभी हम लोग चार्ल्स को फटाफट से ख़त्म करते हैं यहाँ पे। हेलो चार्ल्स, इधर आओ, तू को हम लोग बताते हैं, हम लोग ट्रेन को चलाएंगे नहीं। देखिए मैं ट्रेन को एक ही जगह रोक के कैसे इसको ख़त्म करता हूँ। ठीक है, बहुत खतरनाक फाइट होने वाला है अभी चार्ल्स से। एक सेकेंड, मैं अपना गन को पहले, हाँ गन में मैंने अनलिमिटेड हेल्थ लगा दिया। ओ भाई साहब देखिए, पूरा चार्ल्स का ब्लडी ब्लड हर तरफ हो गया है। आई थिंक मेरा ट्रेन को भी ये टेलीपोर्ट कर दे रहा है। देखिए हम लोग कहीं और थे, लेकिन एक ही बार जैसे लग रहा है कहीं और ही आ गया। चार्ल्स कहाँ गया, अभी अटैक कहाँ से कर रहा है मुझ पर, मुझे वही समझ नहीं आ रहा है। ओह आगे है, ओके कोई बात नहीं। तो हम लोग यहाँ से भी गोली मार रहे हैं, देखिए उसका हेल्थ कम हो रहा है, लेकिन टेलीपोर्ट होकर इधर से उधर आ जा रहा है। ये ले भाई, इस तरह से मुझे लग रहा है एक जगह रुक के इसको मारना ज़्यादा आसानी हो रहा है, क्योंकि अगर हम लोग ट्रेन को चलाते थे तो इसको एम लगाना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था, लेकिन एक जगह ट्रेन को खड़े करके मारना बहुत ज़्यादा आसान मुझे लग रहा है। यही है कि अगर ट्रेन का हेल्थ अनलिमिटेड नहीं होता तो नहीं मार पाते हम लोग इस तरह से। तो ठीक है, कहाँ गया, अबे गया कहाँ, ये ले भाई गोली खा। ठीक है, इतना चार्ल्स ने अटैक किया लेकिन ट्रेन का हेल्थ थोड़ा सा भी कम नहीं हुआ है नीचे, बिल्कुल वैसा का वैसा ही। और देखिए इसका मुंह पे गोली मारेंगे भाई, सही में इस तरह से मुझे लगा था चार्ल्स को मारना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन मुश्किल नहीं, बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि हम लोग इसका फेस पर आराम से एम लगा के एकदम बिल्कुल ही आराम से मार रहे हैं। ये ले, ओह भाई साहब पूरा ब्लडी ब्लड देख रहे हैं इसका, कितना ज़्यादा ब्लड निकल रहा है इसका। तो यार तो हेल चार्ल्स का खेल नहीं है सही में। आज यूजिन भी हमारे साथ पूरा लास्ट तक टिका है, यूजिन को आखिरकार हम लोग यूजिन को भी बचा ही लिए। अभी यार कभी इधर तो कभी उधर, एक जगह तो रुक। ये ले मुँह पे गोली मार, देखिए इसका आधा हेल्थ खत्म हो गया, बस कितना टाइम हुआ, बस कुछ सेकंड्स हुआ, लेकिन इसका आधा हेल्थ भी खत्म हो गया। और यही अगर हम लोग ट्रेन को चलाते हुए इसको मारने होते ना तो इतना हेल्थ अभी नहीं कम हुआ होता, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मूव करता है। देखिए अब इस तरह रुक गया, अब इस तरह इसको सीधा मारो फेस पे, और फिर भाग गया ये, आजा अब ये गोली खा भाई, बिल्कुल ही आसान हो गया इसको मारना, बस थोड़ा सा हेल्थ बचा हुआ है। लेकिन देखिए अगर हम लोग मार रहे हैं चार्ल्स को, लेकिन अब ओ भाई साहब ब्लड देखिए इसका, कितना ज़्यादा ब्लड भाई, ट्रेन का पूरा सामने आ गया है चार्ल्स, इसकी वजह से इसे हो रहा है, पूरा ब्लडी ब्लड हो गया यहाँ पे। तो ले भाई कितना गोली खाएगा तू, थोड़ा सा बस हेल्थ बचा हुआ है। अभी देखिए ट्रेन को मूव नहीं कर रहा, फिर भी लास्ट में जो है हम लोग ब्रिज पर चले जाएंगे क्योंकि भाई वो गेम का हिस्सा है, अगर ट्रेन का हेल्थ हम लोग पूरा जीरो कर देते तो लास्ट में ब्रिज पर ये खुद चला जाता है। ओके, तो बस थोड़ा सा हेल्थ बचा हुआ, फटाफट से इसको मारते हैं और गेम यहाँ पर ख़त्म करते हैं। और यूजिन भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खुश होगा आज, क्योंकि यूजिन यहाँ पर आज बच चुका है।
भाई यार एक जगह रुकिए भाई तू एक मिनट। और ऐसा लग रहा है जैसे नहीं बार बार टेलीपोर्ट कर, देखिए ये पेड़ यहाँ पर पहले नहीं था, ये ट्रेन का ट्रेन को भी टेलीपोर्ट करता है और खुद को भी टेलीपोर्ट करता है ये। भाई ये तो मुझे भी मालूम नहीं था, ये ट्रेन को एकदम से टेलीपोर्ट, अभी तो टेलीपोर्ट नहीं किया लेकिन पहले अब टेलीपोर्ट किया है। जब जब ये जो एक जगह से दूसरे जगह मूव हो जा रहे हो तब तक ट्रेन को भी यहाँ से टेलीपोर्ट कर दे रहा है कहीं और। ठीक है बस फटाफट इसको ख़त्म करते हैं, गेम यहाँ पर ख़त्म करते हैं हम लोग और देखते हैं क्या होता है लास्ट में, क्या यूजिन हमारे साथ लास्ट तक टिका रहेगा पूरा जब ये हेल्थ चार्ज मरेगा, देखते हैं क्या होता है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा तो टाइम लग गया, मुझे लगा था ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उसको मारने में, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। देखिए गन के ऊपर छोटे छोटे पता नहीं टुकड़े, ये आई थिंक चार्ल्स के टुकड़े हैं, गोली मार रहे थे, उड़ रहे चार्ल्स का टुकड़ा सब, और लगभग ख़त्म हो गया, बस थोड़ा सा और बचा हुआ है, बस कुछ सेकंड्स का मेहमान है चार्ल्स यहाँ पर, और यहाँ पर ख़त्म, बस एक सेकंड तो रुक, एक सेकंड रुक, और यहाँ पर ख़त्म हो गया चार्ल्स, मैंने हेल्थ यहाँ पर पूरा ख़त्म कर दिया। और देखिए ट्रेन यहाँ पर खुद से चलना स्टार्ट हो गया, एक दो गोली और मार दो क्या, ये ले भाई गोली खा दो, ऐसे भी तुम्हारा काम अब ख़त्म होने वाला है। और यूजिन भी हमारे साथ बचा हुआ है, आखिरकार यूजिन को भी हम लोग बचा ही लिए, लेकिन मोड्स यूज़ करके, क्योंकि बिना मोड्स यूज़ करके यूजिन को बचाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और यहाँ पर चार्ल्स का डी एंड। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करें। ठीक है तो चलते हैं, अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।